बार बार विचार आना या बार बार वही कृति करना, यह ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, यह एक मानसिक बीमारी है। तो उसमें सम्मोहन का इस्तेमाल कैसे करना, सम्मोहन उपचार कैसे करना, उसके बारे में मैं ये वीडियो में बोलने वाला हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लक्षण प्रमुख कौन से होते हैं। एक तो क्या है कि यह व्यक्ति को बार 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 हाथ धोने की इच्छा होती है, साफ सुथरा होना, उसको लगता है कि जहां वहां गंदगी है मेरे हाथ को गंदगी लगी है। वो व्यक्ति अपने घर की जो टाइल्स है वो बार बार साफ करेगा, फर्शी साफ करेगा, कपड़े बार बार धोएगा, स्नान बहुत ज्यादा देर तक करेगा। तो और उनको बार बार ऐसे विचार आते हैं जो एक ऐसे विचित्र विचार रहते, कुछ भी विचार आते अनसन, और एक विचार दिमाग में घूम गया आया तो वो घूमते रहता है दिन भर, वही 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 विचार। काफी सारे वीडियोस इसके ऊपर बनाए कि कौन से विचार, और कुछ भी विचार हो सकते हैं। विचार ये हो सकता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, विचार बार बार आता है मेरे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी, मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी विचार, मेरा हाथ गंदा है, मेरे को हाथ धोने की, फर्शी गंदी है, लोग बाहर से आ गए तो वो कहीं उनका हाथ लग गया होगा कोई कुत्ते को, तो मैंने उनको पहले साफ करने के लिए बोलना चाहिए, उनके हाथ पैर धोने को बोलना चाहिए। ऐसे कुछ भी विचार आते, भगवान के बारे में बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, सेक्स के बारे में बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भगवान के मूर्ति के ऊपर मैंने अभी पेशाब करना चाहिए, उसको लगता है कि मैंने भगवान के साथ में सेक्स किया होगा, ऐसा कुछ भी आ सकते हैं विचार। एक हमारा पेशेंट है, उसको लगता है कि मेरी विष्ठा खाना चाहिए, मतलब शौच लैट्रिन वो खाना चाहिए, खाता कभी नहीं, उसको मालूम है अपन खाने वाले नहीं है करके, एक है उसको लगता है कि मैंने पेशाब पीना चाहिए, कुछ भी करता नहीं, वो विचार बार 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 इतने आते हैं कि उसको लगता है कि अभी मैं काम नहीं कर सकता, उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, शक्तिहीनता आती है, उसके संबंध खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो कहीं आता जाता नहीं, घर में बैठे रहता है। और इसमें फिर उसको हम दवाई देते हैं, अभी दवाई कौन सी देना है ये इसके वीडियो में अभी बोलने वाला हूं नहीं मैं, दवाएं बहुत सारी प्रकार की है, उसके साथ साथ सम्मोहन उपचार जो है अभी उसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं। तो अभी सम्मोहन उपचार ओसडी में कैसा होता है वो बातचीत करेंगे, उसका मैं सेशन अभी दूंगा। तभी हम सम्मोहन उपचार के सेशन के लिए आपने हरदम जो बैठे वैसा आराम कुर्सी पे बैठना है, गर्दन पीछे टेक के आप दीवार को गर्दन टिका सकते हैं ताकि गर्दन आपकी रेस्ट हो जाएंगे ऐसे दीवार के ऊपर, ऐसे पीछे दीवार को टिका सकते हैं, पूरा बदन रिलैक्स बैठ सकते हैं ऐसी कुर्सी होना। और बार बार मैं आपको बोलूंगा रिलैक्स, तो रिलैक्स इसका मतलब शिथिल करना, ढीला करना, पूरा बदन ढीला करना है। मैं बार बार बोलूंगा स्लीप, स्लीप का मतलब है सोना। तो जब मैं स्लीप ऐसा बोलूंगा तो ऐसी कल्पना करना है कि आप अपने घर में बेड के ऊपर लेटे हैं, सो रहे हैं, ऐसी कल्पना करना है। और मैं बोलूंगा डीप, तो डीप इसका मतलब गहरा या अंधेरा। तो जब मैं डीप ऐसा बोलूंगा तो आप गहरी गहरी गुफा में अंदर जा रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छा रहा है, ऐसी कल्पना करना है। फिर मैं 1 से 10 तक गिनती करूंगा, जैसे जैसे गिनती बढ़ते जाएंगी वैसे वैसे आपकी सम्मोहन अवस्था और गहरी गहरी होते जाएंगी। और फिर मैं आपको सूचनाएं दूंगा, तो जब सूचनाएं देना है दूंगा तो सूचना सुननी है, और सूचना जैसे मैं दे रहा हूं वैसा विजुअलाइजेशन करना है, इमेजिनेशन करना है, कल्पना करनी है, सिर्फ सुनना नहीं है, कल्पना करनी है। क्योंकि हमारे ब्रेन को कल्पना किया है कि एक्चुअली हम फेस कर रहे हैं इसका फर्क नहीं समझता, तो आप कल्पना करो ब्रेन को लगेगा सच्ची वैसा हो रहा है। और जब आप सच्ची करने जाओगे दिन में अपने व्यवहार में तो ब्रेन आपको बहुत कोऑपरेट करेगा। फिर से मैं बोलता हूं रिलैक्स स्लीप डीप, ऐसे 3 शब्द है, आपने एकदम रिलैक्स बैठने का है, आंखें बंद, मोबाइल बंद, कोई आवाज आएगा आजू बाजू में तो इसके लिए शांति के जगह जाके बैठना है, लोगों को बोल के रखो घर में कि अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, और मेरी आवाज सुनते जाओ, आंखें बंद, पूरा बदन रिलैक्स। या हाथ जो है या ऐसे उंगलियां एक दूसरे में फंसा के उंगलियां आप पैर पे रख सकते हैं, और उंगलियां आप ऐसे फंसा के पैर के ऊपर रख सकते हैं, और फिर पैर जो है ऐसे दोनों एक दूसरे में ऐसे कैंची मार के रख सकते हैं, है ना, ऐसा रख सकते हैं, और आंखें बंद करके बैठना है। सिर्फ मेरी आवाज सुनने की है, दूसरी कोई भी आवाज सुनने की नहीं है, और दूसरी कोई भी आवाज की तरफ ध्यान देने का नहीं है।
पूरा बदन रिलैक्स 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 करो, पैरों के अंगूठे रिलैक्स करो, अंगूठे रिलैक्स हो गए, पैरों के तलवे रिलैक्स करो, तलवे रिलैक्स हो गए, पैरों के पंजे रिलैक्स करो, पंजे रिलैक्स हो गए, घुटने रिलैक्स करो, घुटने रिलैक्स हो गए, दोनों पैर रिलैक्स करो, दोनों पैर रिलैक्स हो गए, पेट रिलैक्स करो, पेट रिलैक्स हो गया, कमर रिलैक्स करो, कमर रिलैक्स हो गई, पीठ रिलैक्स करो, पीठ रिलैक्स हो गई, सीना रिलैक्स करो, सीना रिलैक्स हो गया, कंधे रिलैक्स करो, कंधे रिलैक्स हो गए, दोनों हाथ रिलैक्स करो, दोनों हाथ रिलैक्स हो गए, गर्दन रिलैक्स करो, गर्दन रिलैक्स हो गई, जबड़ा रिलैक्स करो, जबड़ा रिलैक्स हो गया, कान रिलैक्स करो, कान रिलैक्स हो गए, आंखें रिलैक्स करो, आंखों की पलकें रिलैक्स करो, आंखें रिलैक्स हो गई, माथा रिलैक्स करो, माथा रिलैक्स हो गया, पूरा चेहरा रिलैक्स करो, पूरा चेहरा रिलैक्स हो गया, सिर रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स, पूरा बदन रिलैक्स, एंड नाउ स्लीप, 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 डीप। आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो, डीप 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 जा रहे हो, आंखों के सामने अंधेरा 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 छा रहा है और आप डीप डीप सम्मोहन अवस्था में जा रहे हैं। मैं भी एक से दस तक गिनती करूंगा, जैसी जैसी गिनती बढ़ते जाएंगी वैसी वैसी आपकी सम्मोहन अवस्था और गहरी गहरी होते जाएंगी और आप डीप 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 सम्मोहन अवस्था में चले जाएंगे। एक, गो डीपर एंड डीपर। दो, गो डीपर। तीन, चार, पांच, छः, सात, गो डीपर, स्टिल डीप, आठ, नौ, दस, एंड नाउ स्लीप।
स्लीप स्लीप डीप। आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में गए हो, डीप 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 और जा रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा 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 छा गया है और आप डीप डीप सम्मोहन अवस्था में गए। मैं भी आपको कुछ सूचनाएं देने जा रहा हूं, वह सूचनाओं का अच्छी तरह पालन करना है। वह सूचनाएं अपने रोज के जीवन में, अपने रोज के व्यवहार में अपनाने की है। जब जब आपके मन में बार बार के फालतू के विचार आते जाएंगे, बिना मतलब के विचार आते जाएंगे, हाथ धोने के विचार, गंदगी के विचार, सेक्स के बारे में और कुछ फालतू के विचार बार 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 आ रहे हैं, तो ऐसे विचार जब आएंगे तो आपको उसका एहसास होगा कि ये विचार फालतू के हैं, ये ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैंने कुछ ये लाया नहीं है, तो ये विचार आप बाजू में रखेंगे, अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे और खुद को पॉजिटिव 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 अफर्मेशंस, पॉजिटिव सूचनाएं देते जाएंगे। आत्म सुझाव देना है, पॉजिटिव आत्म सुझाव। जब जब तुम्हारे मन में बार बार के फालतू के ख्याल आते जाएंगे, वही वही ख्याल, वही वही विचार आते जाएंगे, बिना मतलब के विचार, गंदगी के विचार, सेक्स के विचार, फालतू के विचार, इरिलेवेंट विचार, स्नान करने के विचार, ऐसे कोई भी विचार बार बार के आ रहे हैं, फिर उदासीनता के होंगे, चिंता के होंगे, बच्चों के बारे में कुछ भी विचार, कोई भी विचार बार 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 आके आपको सता रहे हैं, तो आपने उसी समय उसका एहसास कर लेना है कि विचार फालतू के हैं, ये मैंने खुद ने लाए नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। उसका विरोध मत करो, उसको आने दो, ऑटोमेटिक आए हैं, ऑटोमेटिक चले जाएंगे, उसका विरोध करने का नहीं है, कुछ नहीं करने का, शांति रखने की है। जब जब आपके मन में बार बार के फालतू के विचार आते रहेंगे या आ रहे हैं, तब तो आपने उसका एहसास करना है कि विचार फालतू के हैं, इसमें कोई अर्थ नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये विचार फालतू के मतलब हाथ धोने के होंगे, गंदगी के होंगे, सेक्स के बारे में, बच्चों के बारे में, कुछ भी विचार मैजिकल, कुछ भी विचार ऐसे होंगे, तो विचार वो ऑटोमेटिक है, वो आपने लाए नहीं है, ऐसा आपको एहसास होगा कि ऑटोमेटिक आ रहे हैं, आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिक आ गए, ऑटोमेटिक जाएंगे, आपने उसके तरफ ख्याल देने का नहीं है, उसको बाजू में रखना है और पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को देने का है, पॉजिटिव अफर्मेशंस। ये जब जब विचार आपको आते हैं तो आपको उसका एहसास होगा, विचार आने के बाद में या कोई कृति करने के बाद में आपको एहसास होगा कि विचार फालतू के है, तो कोई तथ्य नहीं है, ये ऑटोमेटिक आ रहे हैं, कुछ नहीं करने का है, वो ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी है, आपने नहीं लाए, ऑटोमेटिक आ रहे, वो मैजिकल थिंकिंग है, आपने नहीं लाए, उसके तरफ ख्याल मत दो, सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को दो। और पॉजिटिव अफर्मेशंस कौन से देने के हैं, वो देने हैं कि मेरा आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, कोई भी समस्या का सामना मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ में कर सकूंगा, मुझे बहुत खुशी लग रही है, मेरा मन शांत और रिलैक्स और खुश है,
मेरा मन शांत रिलैक्स और खुश है। मुझे बहुत उत्साह आ रहा है, बहुत जोश है, जुनून है, बहुत उत्साह है, कुछ भी काम मैं कर सकता हूं। मेरा मन बहुत शांत है, रिलैक्स है। मेरा मन बहुत शांत और रिलैक्स है। तो ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन आप दो। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ये समय में आप पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को दो। आत्म सुझाव अपने आप को दो, पॉजिटिव सजेशन अपने आप को। यहां ये भी सजेशन अपने आप को देना है कि जो विचार है वे जानबूझ कर मैं नहीं ला रहा हूं, वो ऑटोमेटिक आ रहे हैं, ऑटोमेटिक जाएंगे, या ऐसा होने वाला है नहीं, कुछ गलत होने वाला है नहीं, मैं हाथ नहीं धोऊंगा तो कुछ गलत होने वाला है नहीं, मैं भगवान के पैर नहीं पड़ूंगा तो कुछ गलत होने वाला है नहीं, तो कुछ भी ऐसा गलत होने वाला है नहीं, सिर्फ ये विचार है, ऐसा आप एहसास करो। फिर अभी आप ये कल्पना करो कि आप एक बड़े गुब्बारे में बैठे हो, बलून में बैठे, गुब्बारा है, बलून है, उसमें आप कुर्सी पे बैठे, एकदम रिलैक्स है, मन शांत है, और बलून के बाहर एक आपके जैसे दूसरा व्यक्ति है, वो आपका डुप्लीकेट है, आपका जेरोक्स है, मगर वो एकदम पावरफुल व्यक्ति है जो आप ही है, जिनका मन शांत है, विचार शांत है, रिलैक्स है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, ऐसा व्यक्ति है वो आप ही है। आप जैसा खुद को चाहते हो वैसा आप वो है, वो व्यक्ति वैसा है, वो आप है। और वो गुब्बारे की जो खिड़की है, वो खिड़की में से भी अंदर आने वाला है, कल्पना करो कि वो अंदर आ रहा है, उसने खिड़की खोली, गुब्बारे में अंदर आ रहा है, वो अंदर आ गया, आपके पास में आया, कल्पना करो आपके पास में आया है, एकदम आपके नजदीक आया और आपके शरीर में उसने प्रवेश कर लिया। आप एक नए इंसान अभी बन गए कि जो इंसान पावरफुल है, जिसका मन एकदम शांत है, जिसका मन रिलैक्स है, परफेक्ट है, बहुत शांत, रिलैक्स और परफेक्ट, बहुत जबरदस्त। अपने आप को पावरफुल महसूस करो, अपने आप को शांत महसूस करो, अपने आप को देखो। मैं भी आपको समय दे रहा हूं, ये समय में आप अपने आप को देखो कि आप कितने पावरफुल इंसान हो, मन कितना शांत है, एकदम फ्री है, आजाद है, बहुत ही फ्रीडम है, बहुत ही रिलैक्स है, बहुत अच्छा लग रहा है, खुश है। बहुत जबरदस्त लग रहा है अभी आपको, आप ऐसे पावरफुल इंसान बन गए हो। अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, जोश है, उत्साह है, कॉन्फिडेंस है, मन शांत है, रिलैक्स है, प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन क्षमता है। करो कल्पना ऐसी, आपका समय अभी समाप्त हो चुका है। अभी मैं 3 से 1 तक उल्टी गिनती करूंगा, जैसी जैसी गिनती कम कम होते जाएंगी वैसे वैसे आपकी सम्मोहन अवस्था धीरे धीरे खुल जाएगी और आपको जाग आ जाएंगी। जाग आने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा, उत्साहित लगेगा। 3, 2, 1 उठो, जाग जाओ, आंखें खोलो, बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। तो अभी अपने आप को यह महसूस करना है कि अभी मैं बहुत फ्रेश हूं, दिमाग शांत है, और विचार बार बार आ रहे तो आने दो, कोई चिंता नहीं है, वो आएंगे। और आपको बुरी खबर बताता हूं, और वो बुरी खबर में अच्छी खबर है कि ये विचार जो है ना, ये आपके साथ में रहने वाले, ऐसा समझ के आप जियो। और जब ऐसा आप जियेंगे ना, तो ये कब गायब होंगे आपको समझेंगे ही नहीं।
मगर आप गायब करना है, निकालना है, निकालना है, विचार नहीं आना चाहिए, विचार नहीं आना चाहिए, निकालना है। ऐसा करते जाएंगे तो ये कभी जाएंगे नहीं, ये रहेंगे अपने साथ। उसके साथ रहना सीखो, और जब वो विचारों के साथ रहना सीखोगे तो वो गायब हो जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी प्रैक्टिस करो, दिन में 4 बार इसकी प्रैक्टिस आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।